वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल पीवीआर स्टडी। चलिए फ्रेंड, आज हम आपके लिए फिर से करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चन लाए हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज हमारी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा एंड लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। और फ्रेंड्स, अगर हमारी वीडियो को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब का बटन दबाकर नोटिफिकेशन जरूर आपको मिलेगा। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए टाइम को ना लॉस करते हुए हम अपने आगे के प्रोसेस पे चलते हैं। जैसा कि फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देख लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि हाल में ही किस स्वदेशी मिसाइल की मारक क्षमता 290 किलोमीटर से बढ़ाकर 500 किलोमीटर कर दी गई है। तो फ्रेंड्स इसका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन इसका आंसर देख लीजिए। ऑप्शनल है, पहला पृथ्वी, सेकेंड क्या है नाग, थर्ड अग्नि, फोर ब्रह्मोस। तो फ्रेंड्स इसका आंसर कौन सा होगा देख लेते हैं। इसका आंसर है ब्रह्मोस। ओके, तो इसका आंसर ये होगा। ओके फ्रेंड, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत के किस शहर को हाल ही में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया गया था। तो चलिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर क्या है ए, ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है लखनऊ। ऑप्शन नंबर ए फ्रेंड्स लखनऊ। सेकंड नंबर जैसलमेर। थर्ड नंबर जयपुर। फोर्थ नंबर दीमापुर। तो फ्रेंड्स इन चार में से कौन सा है जल्दी से सोच लीजिए आप। ओके, तो चलिए मैं बता दे रही हूं आपको कि इसका आंसर फ्रेंड्स होगा जयपुर। ओके, इसका आंसर है जयपुर। देख लीजिए ये लिखा हुआ है जयपुर। ओके, तो इसका आंसर ये होगा। चलिए थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं फ्रेंड्स। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, थर्ड क्वेश्चन है हाल ही में पाकिस्तान के किस अनुभवी क्रिकेट खिलाड़ी ने एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट जगत से संन्यास की घोषणा कर दी है। तो फ्रेंड्स इसका ए नंबर ऑप्शन पे क्या कह रहा है, देखिए चार ऑप्शन में से आपको एक ऑप्शन चुनने हैं। तो ए नंबर है सईद अफरीदी, फ्रेंड्स। तो ए नंबर क्या है फ्रेंड्स, सईद अफरीदी। और बी नंबर है इसका शोएब मलिक, ठीक है शोएब मलिक है। और सी नंबर है हसन अली। फोर्थ नंबर है शदाब खान। तो फ्रेंड्स इसका आंसर क्या होगा आप जल्दी से अपने मन में गैस कर लीजिए। ओके, तो इसका आंसर है फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा शोएब मलिक। ओके ओके, तो इसका आंसर शोएब मलिक होगा। चलिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन पे आते हैं फ्रेंड्स। फोर्थ नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए चौथा क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस देश की सरकार ने हाल ही में सरकारी कार्यालयों में नकाब पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया था। फ्रेंड्स आप इस क्वेश्चन को बहुत इंपॉर्टेंट समझिएगा। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि सरकार ने सरकारी कार्यालयों में नकाब पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया था, कौन से देश ने, फ्रांस, ट्यूनिशिया, बेल्जियम, दक्षिण अफ्रीका। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन है फ्रेंड्स, इसके बारे में जानना है हमें। तो इसका आंसर सही होगा बी नंबर ट्यूनिशिया। ओके, ट्यूनिशिया में सरकार ने नकाब पहनने के लिए प्रतिबंध लगा दिया था। ओके फ्रेंड्स, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइव नंबर क्वेश्चन पे फ्रेंड्स। फाइव नंबर क्वेश्चन है हमारा, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020 में भारत के आईआईटी बॉम्बे संस्थान को कौन सा रैंक प्राप्त हुआ था। तो फ्रेंड्स के चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपको चुनना है, तो जल्दी से आप गैस कर लीजिए कि इन चारों में से कौन सा आंसर हो सकता है। चलिए दिखा दे रहे हैं हम आपको इनमें से कौन सा है। फर्स्ट नंबर 4 से 47वां, सेकेंड बी नंबर 3 से 91वां, सी नंबर 254वां और डी नंबर 162वां। तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा ए नंबर। ए नंबर क्या दिख रहा है फ्रेंड्स, आपको बता दिया जा रहा है ए नंबर क्या
इक्यानवा। ओके तो इसका आंसर ये होगा सही, क्या है 491। ओके देख लीजिए, चलिए आगे बढ़ते हैं हम सिक्स नंबर क्वेश्चन को लेकर। ओके चलिए सिक्स नंबर पे आते हैं। सिक्स नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है देख लीजिए। सिक्स नंबर क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल में ही 21 स्थान के सदस्यता पर्व 2019 को लॉन्च किया था, तो ए नंबर देखिए क्या बता रहा है फ्रेंड्स। ए नंबर जो हमारा बन रहा है वो रुड़की, बी नंबर है मंगलौर, सी नंबर है मेरठ और डी नंबर है वाराणसी। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन होगा फ्रेंड्स, चलिए आते हैं देख लेते हैं। ठीक है इन चारों में से इसका आंसर है डी नंबर जिसका नाम है वाराणसी। ओके फ्रेंड्स तो इसका आंसर होगा वाराणसी। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं सेवन नंबर क्वेश्चन पे। सेवन नंबर क्या कह रहा है, सेवन नंबर क्वेश्चन है कि वैज्ञानिक एजेंसियों द्वारा जारी नए आंकड़ों के अनुसार ग्लोबल वार्मिंग के कारण किस महाद्वीप के आसपास की बर्फ तेजी से पिघल रही थी। तो फ्रेंड्स सेवन नंबर का आंसर देख लेते हैं। फर्स्ट नंबर क्या बता रहा है देख लीजिए, फर्स्ट नंबर ऑप्शन में बता रहा है अंटार्कटिका, बी नंबर यूरोप, सी नंबर ऑस्ट्रेलिया और डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो इन चारों में से फ्रेंड्स कौन सा ऑप्शन होगा, चलिए आते हैं देख लेते हैं। इसका आंसर है ए नंबर। ए नंबर क्या है फ्रेंड्स, ए नंबर होगा अंटार्कटिका। ओके तो इसका आंसर ए नंबर। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स एट नंबर। एट नंबर क्या है कि किस राज्य सरकार ने जापानी वृक्षारोपण मियावाकी पद्धति की तर्ज पर तेलंगाना को हरिताहरम योजना की शुरुआत की थी। तो इसका आंसर फ्रेंड्स क्या बता रहा है देख लीजिए। ए नंबर क्या है, ए नंबर हो रहा है कर्नाटक, बी नंबर तमिलनाडु, सी नंबर गाना और डी नंबर है मध्य प्रदेश सरकार। तो इन चारों में से कौन सा होगा, चलिए आते हैं देख लेते हैं। तो क्या होगा फ्रेंड्स, चलिए देख लेते हैं, सी नंबर है इसका आंसर। सी नंबर का आंसर क्या है, सी नंबर का आंसर है फ्रेंड्स तेलंगाना सरकार। ओके तो ये सी नंबर सही है। चलिए आते हैं नेक्स्ट पे, नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है फ्रेंड्स, नाइन नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं। नाइन नंबर क्वेश्चन क्या बता रहा है, नाइन नंबर क्वेश्चन है हाल ही में मानव शरीर के सभी ऊतकों की आणविक संरचनाओं का एक एकीकृत डेटाबेस बनाने और मानव शरीर की क्रियाविधि का एक समग्र रूप से खाका खींचने हेतु इस एक नई पहल की शुरुआत की गई। तो फ्रेंड्स ए नंबर क्या है फ्रेंड्स, मानव एटलस, बी नंबर मानव रंग, सी नंबर ओके तो इसका सी नंबर क्या है फ्रेंड्स एटलस उत्तर, डी नंबर आर्विक मानव। तो इन चारों में से फ्रेंड्स इसका आंसर क्या होगा, ए नंबर। ए नंबर ऑप्शन पे क्या है, मानव एटलस। ओके तो इसका आंसर होगा मानव एटलस। ओके चलिए देख लेते हैं, ये देखिए आगे बढ़ते हैं टाइम को नाराज करते हुए। टेन नंबर क्वेश्चन पे आते हैं फ्रेंड्स। टेन नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, टेन नंबर क्वेश्चन है हाल में किस राज्य के किशनगंज जिले में गंगा की सहायक महानंदा नदी में पहली बार लुप्त प्राय गंगा नदी डॉल्फिन, जिसे हम लोग गंगेटिक रिवर डॉल्फिन्स पाई गई है। ओके तो इसका आंसर ए नंबर झारखंड, बी नंबर बिहार, सी नंबर उत्तर प्रदेश और डी नंबर पंजाब। ओके तो इनमें से
बी नंबर इसका ऑप्शन है बिहार। ओके तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्या कह रहा है फ्रेंड्स, चलिए देख लेते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पे। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 11 नंबर क्वेश्चन है हमारा, यूके इंडिया अवार्ड 2019 के तहत ग्लोबल आइकन ऑफ द ईयर के रूप में किसे चुना गया था। तो इसका आंसर चलिए देख लेते हैं फ्रेंड्स, क्या बता रहा है इसका आंसर। ए नंबर कुरान नेथियर, बी नंबर नाइट श्यामलन, सी नंबर तरसेम सिंह और डी नंबर दीपा मेहता। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन होगा चलिए बता देते हैं। इसका आंसर ए नंबर कुरान नेथियर। ओके तो इसका आंसर सही है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है 11 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया फ्रेंड्स। 12 नंबर क्वेश्चन पे क्या कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य में छबड़ा तापी बिजली परियोजना की पांचवी और छठी इकाई का शुभारंभ किया गया। तो फर्स्ट नंबर गुजरात, सेकेंड तेलंगाना, थर्ड राजस्थान, फोर्थ झारखंड। इन चारों में से कौन सा होगा फ्रेंड्स, तो इन चारों में से इसका आंसर है फ्रेंड्स सी नंबर राजस्थान। ओके सी नंबर क्या होगा, राजस्थान होगा, देख लीजिए। ओके तो चलिए आगे बढ़ते हैं 13 नंबर क्वेश्चन पे। 13 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है फ्रेंड्स, 13 नंबर है भारत के प्रतिष्ठित आईफा अवार्ड्स 2019 का आयोजन इनमें से कहां किया गया। तो ए नंबर भूटान, बी नंबर श्रीलंका, सी नंबर चीन और डी नंबर नेपाल। तो इसका आंसर फ्रेंड्स क्या होगा चलिए आपको बता दे रहे हैं हम इसका आंसर, ज्यादा वक्त नहीं लेंगे आपका हम। तो इसका आंसर है फ्रेंड्स डी नंबर चीन। ओके इसका आंसर क्या होगा, डी नंबर चीन सॉरी नेपाल। ओके डी नंबर है नेपाल। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन हमारा 14 नंबर है। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है फ्रेंड्स देख लेते हैं। 14 नंबर का क्वेश्चन है, भारत की पहली आईपीएस अधिकारी जिसने अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट डेनाली पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की थी। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से समझिएगा और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है फ्रेंड्स कि भारत की पहली आईपीएस, ठीक है, भारत की पहली आईपीएस कौन सी है जिसने अमेरिका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट डेनाली पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की थी। तो फ्रेंड्स इसका आंसर देख लीजिए, अपर्णा कुमार, सुजाता कुमारी, ममता महाजन, विनीता छबड़िया। तो इसका आंसर क्या होगा, अपर्णा कुमार ए नंबर। ओके फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को बहुत ही गौर करिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है और वाकई में इंपॉर्टेंट है, इसको जानना भी आपके लिए बहुत जरूरी है। इन्होंने पहली बार आईपीएस अधिकारी बनी भारत की और अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट डेनाली पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की थी। ओके तो चलिए आते हैं 15 नंबर क्वेश्चन पे। 15 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है फ्रेंड्स देख लेते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है, सॉरी 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, बजट 2019 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा विदेशी छात्रों को भारत के उच्च शिक्षण संस्थानों में पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु किस कार्यक्रम की घोषणा की गई थी। ओके तो चलिए ऑप्शन देख लीजिए, ए नंबर स्टडी इन इंडिया, सेकेंड स्टूडेंट ऑफ इंडिया, थर्ड इंडिया स्कॉलर मिशन, फोर्थ एजुकेशन इन इंडिया। तो फ्रेंड्स इन चारों में से आपका ए नंबर सही है
और ए नंबर क्या है फ्रेंड्स, इसका आंसर देख लेते हैं, स्टडी इन इंडिया, स्टडी इन इंडिया इसका आंसर होगा। और स्टडी इन इंडिया जो था वो विदेशी छात्रों को भारत के उच्च शिक्षा संस्थानों में पढ़ने के लिए उन्हें प्रोत्साहित किया गया था और ये बात घोषणा की गई थी। ओके फ्रेंड, तो इस तरीके से फ्रेंड्स हमारे कुछ 15 क्वेश्चन थे जो काफी इंपॉर्टेंट थे एंड ये क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं और कई बार एग्जामों में पूछे भी गए हैं। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और हमारे वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया तो प्लीज फ्रेंड्स लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी और हमारी वीडियो में क्या कमी है जो मैं आपको नहीं दे पा रही हूँ, आप तक नहीं पहुंच पा रही हमारी बातें। तो प्लीज फ्रेंड्स कमेंट करके आप हमें जरूर बताइएगा। ओके, थैंक यू।